a great individual, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with, a man of ilm, a man of tariqah, a man who is at the chief of the Naqshbandis, we could say, in Pakistan. Subhanallah. Regardless of being a Naqshbandi, he has come to tell us about Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, because the turuq of Sufi are all one. They're all branches of the same tree, or different rivers that flow from the same ocean. And that ocean is the Prophet Muhammad sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit from sitting with the ulama. And for all of the young people, don't let this be a time where the shaitan will come and he will whisper to you. Shaitan will say to you, oh, you can go and sit outside. The speaker will be in Urdu and I don't understand. No. Because when these people will leave us, we will mourn and we will say, oh, we didn't get a chance to sit with them. And we will grieve the fact that we didn't get to sit with them and see their faces. And we missed that opportunity. So regardless, don't let the shaitan make these whisperings in your ear. Sit and just gaze at the face of the ulama, because this is the ibadah for all of us. SubhanAllah. I do the brothers Madni Naqroob Nare Takbir. مادرش حسینی نسبستو پدر او زالاد حسنیان کریم الابوانس آستا ہے یہ کس شاہ زیشان کا مرحبا مرحبا قلب حیبت سے لرزان ہے انسان کا مرحبا مرحبا قلب حیبت سے لرزان ہے انسان کا مرحبا مرحبا قلب حیبت سے لرزان ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا اے گربا سادے میری
मरहबा मरहबा चांद निकला चांद निकला हसन के शबिस्तान का मरहबा मरहबा चांद निकला हसन के शबिस्तान का मरहबा मरहबा कल्ब हैबत से लरजा है इंसान का मरहबा मरहबा कल्ब हैबत से लरजा है इंसान का मरहबा मरहबा कर बसाद है असर बज़्म पर किसके फैजान का मरहबा मरहबा है असर बज़्म पर किसके फैजान का मरहबा मरहबा कर बसाद मेरी चश्मे वीरान का मरहबा मरहबा कर बसाद मेरी चश्मे वीरान का मरहबा मरहबा कर बसाद मेरी चश्मे वीरान का मरहबा मरहबा चांद निकला चांद निकला हसन के शबिस्तान का मरहबा मरहबा चांद निकला हसन के शबिस्तान का मरहबा मरहबा चांद निकला वो निकला चांद निकला वो निकला चांद निकला वो निकला चांद निकला वो निकला चांद निकला हसन के शबिस्तान का मरहबा मरहबा सर की जीनत अमामा है इरफान का मरहबा मरहबा सर की जीनत अमामा है इरफान का मरहबा मरहबा जो बतन पर मोहम्मद के एहसान का मरहबा मरहबा जो बतन पर मोहम्मद के एहसान का मरहबा मरहबा रंगे आंखों में जहरा के फैजान का मरहबा मरहबा रंगे आंखों में जहरा के फैजान का मरहबा मरहबा रंगे आंखों में जहरा के फैजान का मरहबा मरहबा रंगे आंखों में जहरा के फैजान का 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 मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आया ते कुरान का मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आया ते कुरान का रूप चेहरे पे आया ते कुरान का मरहबा मरहबा सज के बैठा है सज के बैठा है नौशा है जीलान का मरहबा मरहबा सज के बैठा है नौशा है जीलान का मरहबा मरहबा बज़्म कौनो मकां को सजाया गया आज सल्ले आला बज़्म कौनो मकां को सजाया गया आज सल्ले आला साईं बारहमतों का लगाया गया आज सल्ले आला साईं बारहमतों का लगाया गया आज सल्ले आला अंबिया औलिया को बुलाया गया आज सल्ले आला अंबिया औलिया को बुलाया गया आज सल्ले आला अंबिया औलिया को बुलाया गया आज सल्ले आला इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले आला इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया
बनाया गया आज सल्ले आला उर्स है आज महबूबे सुबहान का मरहबा उर्स है आज महबूबे सुबहान का मरहबा उर्स है आज महबूबे सुबहान का मरहबा शम्मे तौहीद दिल में जला कर पियो दिल लगा कर पियो शम्मे तौहीद दिल में जला कर पियो दिल लगा कर पियो शाहे बतहा की ज़ैरात पा कर पियो दिल लगा कर पियो शाहे बतहा की ख़ैरात पा कर पियो दिल लगा कर पियो शेख के आस्ताने पे आ कर पियो दिल लगा कर पियो शेख के आस्ताने पे आ कर पियो दिल लगा के पियो शेख के आस्ताने पे आके पियो दिल लगा के पियो आँख महरे अली से मिला के पियो दिल लगा के पियो आँख महरे अली से मिला के पियो आँख महरे अली से मिला के पियो दिल लगा के पियो खुद पिलाने पे साकी है जीलान का मरहबा खुद पिलाने पे साकी है जीलान का मरहबा खुद पिलाने पे मरहबा शेख के आस्ताने पे आकर पियो दिल लगा कर पियो शेख के आस्ताने पे आकर पियो दिल लगा कर पियो आँख आँख मिला कर पियो दिल लगा कर पियो खुद पिलाने पे साकी है जीलान का मरहबा खुद पिलाने पे साकी है जीलान का मरहबा आस्तां है ये किस शाह ज़ीशान का अकीदत के जज्बात अखयलात व अफकार उस परवरदिगार के लिए जिस परवरदिगार ने अपने महबूब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमें पैदा किया और उस करीम जात के लिए जिन करीम आका ने फिर अल्लाह ने तो पैदा कर दिया लेकिन कमली वाले ने हमें कबूल भी किया। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी ये खताबत के दरख्शिंदा सितारे और खताबत के माथे के झूमर हजरत कुबला के चौथी साहब का ये सेंटर है यहाँ कहाँ से लाएगा कासर धन मेरा जबा मेरी मजा ताबे सुन लेते दास्ता मेरी वो जनाब बंदा फसा तो बनाकर तरतील सलामत के जनाबदा एक बहुत बड़ी अजीम और मर्तबत शख्सियत है लेकिन मैं तो बस हजरत का हुक्म होगा मैं तो साल बाद दो तीन हफ्ते के लिए सैर करने आता हूँ तो मेरे दो साल ग्रामी करीम आका अलैहिस्सलाम की जाते ग्रामी का भी ये खास कर्म है कि दुनिया कायनात के अगर बाजार में जाए तो सुबह सवेरे हमारे पाकिस्तान का असूल है कि सुबह सवेरे अगर जाए सब्जी लेने के लिए फल लेने के लिए तो वो जनाबदा उमदा ताज़ा फ्रेश मिल जाती है लेकिन शाम को जाए तो दुकानदार से अगर कोई ताल्लुकात हो ना तो वो कहता है जनाब बंदा अलामा साहब पीर साहब मुफ्ती साहब देर से आए हैं
ज्यादा देर से आया, अब सौदा कोई अच्छा नहीं रह गया, आपके देने वाला नहीं तो दे दूंगा तो आप नाराज होंगे कि ये अच्छा नहीं क्योंकि ये बचा हुआ है। यार मैं सब्जी नहीं लेता बची हुई, मैं फल नहीं लेता बचा हुआ। तो 1,24,000 गाक ले गए, जब हम रह गए फिर उस करीम का नहीं करम जिसने हमें कबूल कर लिया, जिस करीम की जात करम अगर ना लेते तो 1,24,000 का तसल्लुत तो जारी रहा, कोई ना कोई ले लेता, लेकिन मदीने वाले के बाद तो किसी ने आना ही नहीं था। लेकिन ये अब मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हम बच गए थे या बचा के रखे गए थे, ये कुछ नहीं आता। लेकिन ये मेरा ईमान है, ये मेरा ज़ौक है, ये मेरा विद्वान कहता है कि महबूब के लिए बचा के रखा है, बचा बचे हुए नहीं है, हमें महबूब के लिए बचा के रखा है। कहीं से आवाज आई होगी कमली वाले करीम के बचे हुए, ये खचे हुए, ये किसी काम के नहीं है, नकारा है, पिल्ले है, लेकिन मेरे कमली वाले भी हमारी है यार ला जाके फरमाया, नहीं यार ठहरो मुझे ले लेने दो, मैं इनमें ही अब्दुल कादर जिलानी बनाऊंगा, इनमें ही अब्दुल कादर जिलानी बनाऊंगा, इनमें दाता अली अजमेरी बनाऊंगा, मैं इनमें मुजद्दद अल अंसारी बनाऊंगा, मैं इनमें मोइनुद्दीन अजमेरी बनाऊंगा, जब मौज में आगा को बेजर होगा अबू जर बना दूंगा, अबू बकर सदीक अकबर बना दूंगा, उमर फारूक आजम बना दूंगा, उस्मान आया जिन्नूरैन बना दूंगा, अली आया मुश्किल कबूल किया। फिर मैं अकर का अंधा नहीं हूं, मैं सोचूं कि दुरूद में खड़े होके पढ़ू या बैठ के पढ़ू, उस करीम की बरकत है नाज में मैं हज न्याज पेश करने के लिए मैं सुबह करूं या शाम करूं, खड़े होके करूं या बैठ के करूं, हाथ बांध के करूं या खोल के करूं, नहीं यार तू कमली वाले का शुक्र जिस तरह करता रहे फिर भी हक पे यूं है। मेरे फैयाजा ने ग्रामी उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी करीम आका मैं कुर्बान, फिर मेरे कमली वाले करीम ने इतना करम फरमाया, ला नबी आबादी मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मैं मोहब्बत से अर्ज करूं शायद रूहें मलूल हो गई हूं कि हुजूर आप फिर ना हुए तो। मेरे करीम ने फरमाया कि नहीं नबी नहीं आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरे गुलाम आएंगे, औलिया अल्लाह आएंगे, मकबूला ने बारगाह आएंगे, मेरी जात में, मेरी शहादत में, मेरी इल्म में, मेरे अमल में, मेरे ज़ौक में वो होंगे जो फना होंगे, और उन्हें देखने वाला भी किसी को कोई बाकी बिल्ला कह देगा, किसी को सिमतुल्ला कह देगा, किसी को वलीउल्लाह कह देगा। या मैं कुर्बान उस करीम आकर सलात व सलाम की जात अक्दस करीम ने जिसने पिला दिया मेरे साकी ने आलम मनुतु मिटा दिया मुझसे, मैं ला पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हु, मेरे मौसा ने ग्रामी उस करीम आकर सलात व सलाम की जात ग्रामी के लाडले बाप को देखना हो बेटे को देखे, मुसव्वर को देखना तस्वीर को देखे, मुफसर को देखना हो तफसीर को देखे, शायर को देखना शेर को देखे, ना खान को देखना हो तो ना सुने, यारो फनकार को देखना तो फन को देखे, मुसव्वर को देखना हो तस्वीर देखे, मेहमान को देखना दीवार को देखे, सैयदुल अबरार को देखना हो तो मेरे गौसे आज़म इसका तर्जमा तो हम सिर्फ करते हैं कि जी ना अच्छों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो, साधकों के साथ नहीं, कैद जो है वो ये है कि उसके साथ हो जो सच्चा हो, उसके साथ हो, झूठों के साथ नहीं, जाली पीरों के साथ नहीं, जाली मौलवियों के साथ नहीं, उनका मायार क्या होगा। मेरे सैयद अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शेर यज़दानी किताब कुरानी कि दीन नूरानी गौसे समादानी शबात गामखानी वाफे रमते मुतशाबे आते आया कुरानी या शेख अब्दुल कादर जीलानी या हसनी का तो सहेली रजी अल्लाह ताला फरमाते मुझे रब्बे काबा की कसम है आपकी 90 साल हो रही, फरमाया मैंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, मैंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला। साबत का विलायत का मायार ये जिसकी जबान से झूठ ना निकले उसका कोई कौल कोई फेल जो है वो झूठा दो, मैं कुर्बान जो मेरे ख्याल के कायनात क्या करम। और इन जो विलायत है
हजरत से आप कछुची किबला से सुनते रहते हैं, विलायत के दो पहिए, विलायत के दो पहिए, एक रिज़्क़े हलाल, एक है सिदके मकार। एक है रिज़्क़े हलाल, एक है सिदके मकार। झूठे वली नहीं होता और वली झूठा नहीं होता, और वली कंजूस नहीं होता, कंजूस वली नहीं होता, बखील वली नहीं होता, वली बखील नहीं होता। मैं कुर्बान जब मेरे सैयद अब्दुल कादर जीलानी सुबहानी, यार बे अदब माँ बा अदब औलाद जम सकती नहीं, माँ दनी सर माँ दनी फौलाद बन सकती नहीं। माँ बेअदब होगी माँ दल्ला बेटा गुस्ताख होगा, और माँ आपदा होगी बेटा जायद होगा, माँ जायद होगी बेटा मुत्तकी होगा, माँ मुत्तकी हो बेटा परहेजगार होगा, माँ परहेजगार हो बेटा नेकोकार होगा, माँ नेकोकार हो बेटा शब्दिंदादार होगा, माँ शब्दिंदादार हो बेटा तहज्जुद गुजार होगा, माँ फातिमा होगी बेटा गौसे। मैं कुर्बान उस करीमा का की जाते अक्दस के, या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाहा वकूनू मस्सादिकीन, सादिकों के साथ रहना और सच्चों के साथ रहना, हलाल खाने वालों के साथ, ड्रामे बाजों से नहीं। मेरे गौसर वरा का इरशाद है रब्बे काबा कसम हदीस पाक भी है, मेरे करीम ने फरमाया कि हराम का रिज़्क निवाला अंदर जाता है, ईमान बाहर आ जाता। साबित का रिज़्क हलाल के बगैर विलायत की तय करना मंजर, ये फ्रॉड हो सकता है, फ्रेब नहीं हो सकता। कौन अब्दुल कादर जीलानी? यारो मैं कुर्बान जाऊं, आपने सुना भी होगा सैयद अब्दुल कादर जीलानी के वालिद इकराम, ये सारे चंगे नौजवान पैकरे हुस्न जमाल, पैकरे हुस्न जमाल, किरदार की, गुफ्तार की, रफ्तार की, हर अदा गुलामी मुस्तफा के सांचों में ढली हुई नजर आ रही है। यार वो नौजवान शिजिला नौजवान, सुबह का वक्त है, कोई कुकवा रही है, पपीया पी पी कर रहा है, बुलबुल बोल रही है, और जमदा गुंचे कटक रहे हैं, फूल कटक रहे हैं, क्या समा है सुबह सवेरे का, बादे बाहरी के गुंचे जो है मिजाज को हिजाम तफा किए जा रहे हैं, और दरिया का किनारा है, और जाने वाला जो है वो हुस्न का पैकरे दिल नवाज है, और जब बंदा जिक्र इलाही कर रहा है, हाथ कार वाला है, दिल यार वाला है, पांव जमीन पे है, मिजाज आसमान के। वो साहिब मर्द बाकमाल मिजाज ग्रामीण देखा सेब आ गया, तबाक से पकड़ लिया, बशीर काला गालिब आ गया, एक काश ली पूरे का पूरा हड़प नहीं किया, एक काश, और अकल की लगाम ढीली हो गई, नाका की इश्क की लगाम खींची, तो इश्क ने पलट के पूछा, ये जो सेब खाया ये हलाल है? अल्लाह इस माँ का बेटा है, शाह अब्दुल रज़ाक की औलाद है, क्या कर रहे हैं? उसी वक्त पानी आ रहा था जिस तरफ उसी तरफ चल गया, यारो वहां से दाएं बाएं नहीं किया, मफर नहीं किया, मकर नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, भाई चुप करके गड़प कर जाओ, नहीं, चलते चलते पानी का किनारा किनारे किनारे देखा तो सेब का दरख्त लटका हुआ पानी समेत, आपने सेब का पीस पकड़ा, मैच किया, कहने लगे गई किस्से मुख, सारे आप अंदर चले गए बाग के अंदर, अंदर जो बाबा जी बैठे हुए बड़े साहब कमाल है, जिस वक्त नौजवान आया गुलाम ने दरबार ने अर्ज किया, हुजूर एक मर्द नौजवान आ गया, पैकरे हुस्न जमाल है, अजीब शख्सियत, अजीब पर्सनैलिटी, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, बैठने में अजीब हुस्न का पैकर है, जल्दी बाबा जी समझ गए शायद मैंने जिसके लिए जाल लगाया हुआ था आज वही शाबाश बन सके, जिसके लिए मैंने पंजाबी में कहते हैं 100-100 भेस बटाए थे यार एक तेरे मिलने में, तो यार मैंने तुझे पाने के लिए यहाँ मैंने भी डेरा लगा रखा था, वो आ गए जना बंदा आंखों आंखों से जना बंदा इशारे भी हो गए, आंखें चार हुई, पता चल गया मंजर को भी पता चल गया, मैंने मुसावर पा दिया, मुसावर को पता चल गया मैंने भी मंजर पा लिया, मैं कुर्बान मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की जाते करें, मेरे गौसल बरा के वालिद ग्रामी ने देखा, अब की सैयदी मैं आया हूँ मुसाफिर हूँ, जहाँ मतलब इतफाक से ये गलती होगी माशाल्लाह, तो मैंने एक काश ले ली, बाबा जी समझ गए जो इतना परहेजगार है, इतना मुत्तकी है, इतना साहिब दिल है, इतना साहिब कमाल है, जो इन्नहु वस्समीउल बसीर की तर्जमानी कर रहा है, अगर ये शऊर आ जाए कि खुदा देखता है गुनाह नहीं होता, हम पढ़ते हैं वस्समीउल बसीर लेकिन काम वो करते हैं कोई नहीं देख रहा, अगर याद हो तो यह एक बात आपका हुक्म ठीक है, लेकिन किधर वाला तबका जो है ना वो जरा दुरूशी पढ़ लो, समीउ बसीर पे हजरत महमूद गजनवी तारीख का बहुत बड़ा अजीम दरवेश साहिब कमाल और साहिब शब जिंदादार बादशाह, वो आपकी खिदमत में आए जनाबे अय्याज के मुखालिफ,
कहना कि बाबा जान बादशाह सलामत आप खाने में पीने में लेने में देने में आने जाने में जो रफाकत बख्शते हैं या याद करते हैं वो हजरत अय्याज को। हजरत अय्याज क्या है माशाल्लाह? आपने चलो फिर बताऊंगा। नहीं जनाब आज ही वजात करें, उसको क्यों इतनी तरजीह देते हैं? आपने अपना चलो शाम जाते हुए मिल जाए, आज हो आज ही कर चलो कर। शाम हुई तो हजरात वजरा सारे आ गए, कैबिनेट सारी आ गई, और जब कैबिनेट इकट्ठी हुई तो आपने एक कबूतर निकाला पर मैं बेटा वहां जबा करके कल लाना जा कोई ना देखता, आप भी वहां जबा करना जा कोई ना देखता कोई ना देखता कोई ना देखता कोई ना देखता कोई ना देखता। अय्याज भी लेंगे और अय्याज तेरे बेकरार का कासा जमाने यार से सर शार कर रहे हैं, और बाबा जी फरमाए यार तू भी ले जा वहां जा जबा करने जा कोई ना देखे। सुबह सवेरे आ गए, एक ने जबा की हुए और पकड़ा हुआ जमा था, मैंने रबे काबा की कसम वहां जिबा किया जहां जमा कोई नहीं देख रहा था, मैंने कमरे की लाइट जो है वो ऑन की और दरवाजा बंद किया वहां किया, मैं पहाड़ी के दामन में चला गया, मैं दरख्त की ओट में चला गया, मैं वहां चला गया वहां चला गया, किसी ने नहीं देखा। अय्याज की बरी आई तो जिंदा कबूतर हाथ में, बादशाह सलामत ने पूछा जमा आपने क्यों नहीं किया? कहने हुजूर ये हुक्म की अदूली करके आया, मैं हुक्म का पास करके पूछा क्यों? आपने फरमाया था वहां जबा करना जहां कोई ना देखता हो, इन्होंने देखा है कोई नहीं देखता, मैं क्या करूं? मैं सारी रात घूमता रहा, जहां भी गया कोई नहीं देखता, पर वो देख रहा था जो ये जब जौक बनता है फिर गुनाह नहीं होते। और सूफी ये कामल की जात होती है उसका सबसे बड़ा ये मंजर पहली होती है कि मेरा महबूब देख रहा है, मेरा खालिक देख रहा है। किल्लत वक्त हुजूर सैयदी गौसर बरा के वालिद ग्रामी अलहराबाद की जात ग्रामी को आपके जद्दे करीम ने फरमा लो बेटा ये इस तरह नहीं माफी मिल सकती, ये 3 साल 2 साल की रिवायत है 4 साल भी बात चुन 2 कर ले 3 कर ले ये बाग की बागवानी करनी है, अभियानी करनी है, इसकी खुदाई करनी है, संभाल करनी है, कांट छांट करनी है। आपने मुस्करा दिया। बाबा जी ने पूछा मैंने तो दिल में सोचा था 3 साल कहता हूँ बेटा घबरा गया, 2 कर दूंगा 2 पे घबराया 1 कर लेंगे जहां सौदा डल हुआ कर लेंगे। तो आप 3 साल पे मुस्करा रहे, कहने लगी मैं इतनी गलती होगी जिसके लिए मैं तो जिंदगी भर भी गुलामी करने को सर तस्लीम खम है जो मेरा यार में दोस्तों निगरानी ये है साले बाप और बेटा क्यों ना हो अब्दुल कादर जी। किल्लत वक्त आपकी जात ग्रामी वो आबियारी करते रहे वक्त मंजिल तय, और वो वक्त क्या था? वजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। उस जात इला के रास्ते पे मुजाहिदा करें, मुजाहिदा जब तक ना करें। सही आपको भी याद होगा हमारे पाकिस्तान में एक जो ये कॉटन है इसे रुई कहते हैं और पहले इसे कपाह कहते हैं, कपाह जो होती है वो 200 रुपए की 1 किलो बिकती है, लेकिन जब उसमें से वो बिनौरा निकल जाता है तो वो 1000 रुपए की किलो हो जाती है। तो पता करें कि ये भी वही है, इसका रंग वही, उसका रंग वही, वो भी रुई, ये भी रुई, वो भी कॉटन, ये भी कॉटन, इसकी जाय पैदाश हुई, इसकी जगह जाय पैदाश हुई, इसकी कीमत क्यों बढ़ गई? तो रुई कहेगी कि वैसे नहीं बढ़ गई, मैं वेलने के पार्ट से गुजर के आई हूं, तो मेरा वो तकब्बर वाला जो बिनौला है वो निकल गया। फरजीन यबीतून लरब्बिहिम सुजदा वकयामा। ऐसे नहीं होता मेरे फयाना निगरानी, उस मुजाहिदी की चक्की से पिस के वो मर्द कलंदर जान साहब कमाल को पहुंचे। बेटा ये मेरी बेटी है माजूर, किल्लत वक्त निकाह हो गया, अब आइडियल क्या होगा दर्जा के लिए? तो मैं जब अपने हुजले रूसी में जाऊंगा सैयदी, तो वो एक माजूर लाश का चारपाई पे पड़ा, लेकिन जब अंदर की तरफ आए दरवाजा जरा सा पीछे किया तो अंदर देख परी पैकर पैकर हुस्न जमाल हूरों के रूप में एक खातून सर झुकाए खड़ी है। तो आप भी बाहर खड़े हो गए, बेगम साहब अंदर खड़ी, हुसन बाहर है, इश्क अंदर है, नाज बाहर है, न्याज अंदर है, शरीयत के पैगंबर दोनों अंदर और बाहर देख रहे हैं, लेकिन सर झुका के ना वो देखती है ना ये देखती है, ये डर रहे हैं कि एक सेब खा तो ये हालत तो अगर गैर मार उनको दूसरी नजर ले लिया फिर इंजाम तो जिंदगी का होगा ना, इसलिए डटे हैं मेरे फैयाजा ने ग्रामी। जब सुबह साहब साहब ने नौकरानी को भेजा तो दूल्हा मियाँ बाहर खड़े हैं, जरा मतलब सर पे जरा मतलब बर्फ का ढेर लगा है। माई साहब आगे भाई बेटा क्या किया? कहने लगे जनाब जो आपने मुझे तखय्युल दिया था, जो मुझे आइडियल दिया था और जो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी थी मेरी बेगम साहब, मेरे ख्याल में था वो चारपाई की जिंदा लाशा होगा, लेकिन ये तो परी पैकर है, मैंने एक निगाह देख के मैं घबरा गया। आगे माई साहब क्या जवाब देते हैं? बेटा ये आंखों से इसलिए कहा था नहीं देखती कि इसलिए कि इसने गैरों को देखा, गैरों की बात नहीं सुनी। इसमें एक हदीस पाकर करके इख्तिताम कर लेते हैं। मेरी इमाम उल्लंबिया ताजदारे कायनात, दुनिया कायनात के स्कॉलर्स, दुनिया कायनात के हिस्ट्री राइटर, दुनिया कायनात के कलमकार,
दुनिया कायनात के सीरत निगाह, दुनिया कायनात के फसाना निगाह, दुनिया का साहिबाने ज़ौक, साहिबाने तहकीक, हर इंसान ने माना है कि दुनिया कायनात के इल्म अकल एक तकड़ी में डाल दें, एक जर्मदा पार्ट में डाल दें, लेकिन सारे होंगे लेकिन मदनी माई की एक आंख की झलक की कीमत नहीं। उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्शों से हलना हुआ, नुक्ता भरों से खुल ना सका, वो राज़े कमली वाले ने बतला। रात तशरीफ लेके घर मस्जिद नबी से निकल के खरामा 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 खरामा, और मदीने की गली भी क्या होगी, वो यूं लगे जैसे मिस्री की डली होगी या किसी फूल की कली होगी, जहाँ मेरे नबी के पाँव की तली होगी, वो समा कुछ इस तरह का होगा। आपने दरवाजा खटका के देखा तो फातिमा करीमा से, बेटा आज घर न चले? जी जी अब चलती, चलने लगे, शादी कल हुई है। तो चलते हुए आपने इशारे से मोहब्बत से, अली पाक देख रहे हैं भी मुझे इज़्ज़त नहीं हुआ, बेइज़्ज़त रसूल चलना चाहिए। आप अबा जान जरा अली जान को भी कह देते भाई आप भी आ रहे हैं, तो माई साहब इशारा करती हैं आप पीछे आए, अब तकाजा अदब नहीं माजल्ला। हक ये था कि आगे सैयदुल अंबिया, पीछे सैयदुल औलिया और पीछे सैयदतुन निसा, वहां साहब ये बदल के माई साहब इशारा करती हैं आप पीछे आए। जब घर पहुंचे मैं शॉर्ट कर लूं तो मेरे करीमा ने देखा सरकार की तरफ, अब जब मुस्तरे बेटा मुझे आज अच्छा नहीं लगा, क्यों मेरे अपने शौहर नामदार को आपने पीछे चलने को क्यों कहा? तो आंखों में आंसू आ गए, हुजूर ये मेरी अम्मा खदीजा की तरबियत है, मैंने इसलिए पीछे हजरत अली को इशारा किया ताकि मदीने की गली में मेरा पांव लगे उस पे सुबह गैर मार्ग का पांव, मेरे पांव पे गैर मार्ग का पांव ना आए, जिस माँ के पांव पे गैर मार्ग का पांव ना आए उसकी झोली में उसालना पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेअदब मां बाअदब औलाद जम सकती नहीं, मादने फर मादने जर मादने औलाद बन सकती नहीं, यारो चील के आलने में और उसके घोंसले में कभी फाख्ता नहीं बनती, और बेअदब माए जो है आज जो हालत इजहार है, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, उमा बे हैरत के दुनिया से क्या हो जाएगी आज, औलाद का गम औलाद की जनाबे बंदा बेमुरती जो है वो माँ बाप को जनाबदा टीवी की तरह खाए जा रही है, लेकिन ये देखने वाले सोचे रिजा कौन सा इनको खिला रहे हैं, माहौल इनका कौन सा फराम कर रहे हैं, और अम्मा जान आप कब कितनी नमाजें पढ़ के सोते हैं, मन की दुनिया में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। बस इख्तिताबी जुमला, उस आगोश में ये था रिज़्क़े हलाल, रिज़्क़े हलाल और सिद्क़े मकाल, हुज़ूर गौसल वरा रज़ी अल्लाहु ताला की ज़ाते अक़दस जो है वो इल्म का ये आलम है, तकवे का ये आलम है, परहेजगारी का ये आलम है कि आप मादरज़ाद वली है, पैदा हुए वादा बोतर माने दूध पेश किया आपने नहीं पिया, क्योंकि गालबन उस वक्त कमेटी और लाल वाली नहीं बनी थी या बन गई होगी, क्योंकि चांद नहीं किसी ने चढ़ा था, अगर चांद चढ़ा देते तो फिर तो पता चल जाता, चांद नहीं चढ़ाया था, चांद आजकल बड़े रंग बिरंगे चढ़ते हैं, आपके यूके वाले तो खासे मुतारिफ है, चांद कौन कर चढ़ता है और कैसे कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मेरे भैया आपने दूध नहीं पिया, और जब सने ब्लू को पहुंचे तो अम्मा जी सरकार ने फरमाया बेटा आपने दूध नहीं पिया था, आप देख फरमाते बेटा तेरा हो, रगों में खून हसन का हो, निगाहों में हया हुसैन की हो, और तरबियत फातिमा की खैरात और ज़कात मेरी मां तूने मुझे मुंतकिल की हो, तो फिर मैं कैसे दूध पीता, उस दिन रोजा था, पैदा हुआ तो मादरज़ाद वली हो के भी मां ने नहीं कहा पीर साहब फूंके मारो, तवीज लिखो, जिन डालो लोगों को, जिनात के बहाने हराम रिजक कमाए माज़ल्लाह, फरमा नहीं बेटा तू मादरज़ाद वली है, लेकिन मेरी तसल्ली तब होगी कि जाके दीने मुस्तफी की तालीम हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जो हलाल पीर के लिए जाहिल मौलवी के लिए ये चैलेंज है कि कादरी ना कहे अपने आप को, कादरी वो होता है जो दीन को भी जाने और दुनिया को भी जाने, फैयाज़ाने गिरामी आज जहालत का दौर, जिन जिन यकीन करें मैं साल बाद आता हूं दो तीन हफ्ते के लिए, और आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं चूराशी में पैदा हुआ, 72 खानकाओं ने मेरे बाबा जान से इक्तसाब फैज किया, बड़े बड़े पाकिस्तान के मुख्तदार शख्सियात जो है मेरे बाबा जान के इक्तसाब फैज किया, और हम कादरी आजाद वैसे भी खुश है, खुश नसीब है, इसलिए खुश नसीब है कि कुब्बा कादरियों के पास है,
कुब्बा कादरियों के पास और जुब्बा नक्शबंदियों के पास। हाथों से कह रहा हूँ, आपके पास है जुब्बा, हमारे पास है, और आप कुब्बे पे चल के जाते हैं, जुब्बा मेरे मुजद्दद के पास चल के आया। मर्तबत जिस पे हया भी नाज करे, इबादत भी नाज करे, पाकीजगी भी नाज करे, पाक दामन माँ। ये नहीं कह रही बेटा पीली मुरीदी के लिए कमरा किराए पे ले लो, लोगों को कमारों को औलाद के तवीज दो, माजल्ला नहीं। माँ ने फरमाया बेटा मेरी तसल्ली तब होगी, कहीं चला जा यार, सीने पे पत्थर रख के सोचे कि पत्थर भी रखें तब भी आपकी अकल साथ नहीं देगी, कि इतना मुन्नी मीठा प्यारा बेटा अकेला भेजना, अकेला भेजना कोई आसान है नहीं। अपने बाप की यादगार है, लेकिन भाई साहब ने फरमाया बेटा ये भाई अशरफिया, ये 11 तेरे दूसरे भाई का, ये 11 मैं रख रही हूँ, पर मेरे ये स्टेज वालों की मेरी तरबियत की हया रखना, मेरे दूध को रुसवा न करना, अमीन हुक्म तो कर, बस बेटा ही की ख्वाहिश है, झूठ नहीं बोलना। साबित हुआ सादिक की शराफत, सादिक की संगत ही काम आती है, लेकिन सादिक होना जरूरी है। सरकार के गुलामों, मैं भी गुलाम हूं, हजरत सुना है रास्ते में डाकू आ गए, डाकुओं ने लूट लिया, सब लूट के चलने लगे, एक डाकू वहां भी, आजकल भी कैपेसिटी है ए बी वाली ना, उस वक्त भी चोरों की कैपेसिटी होती थी, कोई बड़े वाला कोई छोटे वाला, वो बड़े वाले तो लूट के चलने लगे, छोटे वाले को कहा इस बच्चे को भी चेक कर ले, आए तो उन्होंने देखा, चोर ने देखा अभी गौस ने नहीं देखा, एक नगाह से होता फैसला दिल का, वो निगाह में ना शोखी तो दिल भरी क्या है, नहीं देखा, दूसरा आ गया, तीसरा जो बड़े वाला आया उसने कहा बेटा आपके पास कुछ है, आपने अपनी वो कलंदराना निकाह, वो हसनी हुसैनी निकाह बावकार उठी ना, तो बस उठी निगाह तो दुआ बन गई, झुकी निगाह तो या बन गई, तिरछी हुई निगाह तो अदा बन गई, फिरी निगाह तो कजा बन गई, और जो देखा तो एक निगाह से होता है फैसला दिल का। हाँ भाई आपके पास कुछ है, मेरे गौस ने मुस्कुरा के फरमाया जिसकी तलाश है आपको वो भी है, और जो मुझे खून में मिला है वो भी है, पहले अपना ले ना फिर मैं अपना काम इधर आए, सितम कर हुनर आजमाए, तीर आजमा, जिगर आजमाए, जिस वक्त ले लिए इशरफियां वो निकाल के आगे रख दी, तो नहीं होंगे आजकल, मैं देख रहा हूं तो कल परसों मेरा बेटा है यहाँ साथ, मैं चूंकि बिल्कुल यहाँ के रस्म रिवाज से इतना आशना नहीं, आते हुए मुझे मुद्दत गुजर गई, मैं जब पहली बार मैनचेस्टर आया तो उस वक्त 22 रुपए पाउंड का मूल था, टोटल 22 रुपए में 18,000 का रिटर्न टिकट था, तो आज तक मुझे शौक नहीं आया अभी मैं भी घर बना लूं, यकीन करें जो मजा माई ने चबारे न बलख न बुखारे, जो अपने वतन में आता लो तो उसका कहीं नहीं आता, आते हैं बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं, यकीन जाने ताजदारे कौनैन के गुलामों, आका अलैहिस्सलाम के सदके हजूर गौसल वरा की माँ ने माओ के लिए, लेकिन वो माँ वो माँ किस माँ की बेटी है जिसने जंगल में बैठ के काबतुल्ला की बुनियादें रखी थी, और हर वक्त रात दिन माँ को बेटे को कह रही थी कि ऐ इस्माइल मेरे दूध को रुसवा ना करना, लोग कहेंगे बाहर से आया था गैर दूध था, तो बेटा भी देख के कहता था अम्मा वक्त आ लेने दे, अब ये इम्तिहान होगा जो मुमते इनको मैंने बस न कराई फिर मुझे इस्माइल कौन कहेगा, यारो मैं कुर्बान बस किल्लत वक्त सही ना अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात करामी, जो आपकी जरूरत वो भी ले और जो मेरे पास है मैं वो भी दूंगा, अल्लाह के वली की निगाह से डरे लेकिन वली हो, ये जो यहां वाला सौदा ये नहीं जी। वो मुल्ला नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बा मजाक सा बंदा था तुर्की का, तो वो आप मजाक अपने साथ करके कहते मैं एक जगह चला गया बड़ा सारा मैंने पगड़ बांध रखा था, तो वो लोग कहने लगे आओ 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 जुमा पढ़ाओ, तो मैं फंस गया
सैयदी, वो घेर गार के कुछ दाएं बाएं का तुक्का लगा के सुनने वाले भी इसी तरह के थे। नहीं समझ आई? जैसे पीर ऐसे मुरीद, जैसे ज़िबा करने वाले वैसे खाने वाले। मैंने गुजारा कर लिया, लेकिन एक साहब आए अरबी की चिट दे, कहते आदामा इस सवाल का जवाब दे। अब मेरी अरबी कौन जाने, और कोई नात कहते शर्म नहीं आती, इतना बड़ा पगड़ बांध के आ गया तो पढ़ना नहीं आता। मैंने पगड़ी उतार के उसके सर रख दी, पगड़ी पर थी है तो तू पढ़। आजकल तो पगड़ी का दौर है बस। ठीक मेरे दोस्तों ने ग्रामी, इसमें मैं दुख से एक बात कहने लगा, बुरा ना मनाए, मनाए तो भी कोई बनाए। हजरत सुलेमान करीम का दौरे दिल नवाज है, और ये मैं तमाम हजरात अपने समेत मुहासबे की मीजान पे ला के रख के कर रहा हूं बात। जिस वक्त हजरत सुलेमान करीम के दौर में कबूतरी आ गई, इस्तगासा दायर कर दिया, पूछा भी क्या हुआ जनाब, ये फला आदमी है उसने मेरा जो शौहर है या मेरा साथी था उसको मार दिया। बुलाओ भाई, कॉल लेटर जारी हुआ, आ गया वो शिकारी। तो जनाब बंदा पूछा भाई क्या हुआ, कह लगी जनाब मैंने जब देखा ये आया इसका चलना मुझे खतरनाक लगा, मैंने अपने मियाँ से कहा कि आओ उड़ जाए ये शिकारी है। कह लगा नहीं, इसका जुब्बा दे, इसका जुब्बा दे, इसका जुब्बा दे, इसका कुब्बा दे, दस्तार दे, ये बड़ा साहिब कमाल। कह लगी सारी चीजें चंगिया ने टुरना पैना, समझ आइए थोड़ी जी पंजाबी चख लिया करो, चखिया करो। मैं ये कराची तकरीर कर रहा था, एक जुमला पंजाबी का है तो सैयद अब्दुल हाफिज बदायूं यूनी रहमतुल्लाह अलैह नबी अल्लाह मरकज में, कहने लगे अरे साहब दादा जहाँ पता उर्दू में। मैंने कहा जी उर्दू में मैं घंटा तकरीर कर लूंगा, पर पांच मिनट पंजाबी में भी आपको कर लूंगा, इसलिए कभी आप भी पंजाबी चख लिया करें ना मेरी जान। मेरे दोस्तों ने कहा सैयद करीम अकाल इस्लाम के दामा ने कुछ का छदका। मैंने कहा कि ये शिकारी है, तवज्जो से सुने, मुझे कोई डर नहीं, झिझक नहीं बात करने, ये शिकारी है। तो मेरी सादा शौर था, उसने कहा नहीं ये वली अल्लाह है। बस इतनी देर थी, तीर और उसने निकाला, मियां साहब के जिगर से पार हो गया, फड़क के नीचे चले गए, मैं जान बचा गई। हाँ भाई तुझे क्या सजा दूं भाई, आप क्या चाहती हैं? जनाब मैं सजा नहीं दिलाना चाहती, मैं एक काम करना चाहती। क्या? इसको कहें शिकार करने आए थे कपड़े शिकारियों वाले पहन, वली अल्लाह वाले ना पहन के, शिकारियों वाले ना पहन के आया कर, वली अल्लाह का लिबास है तो फिर वो काम करे। शिकार करना है कपड़े शिकारियों वाले पहन के आए, फिर जो फल से वो जाहिल है मजबूर है, पर कपड़ों वाली जो है बदनामी उसको समेट के रखे। फल की दुनिया में डूब कर पाजा सुहागे जिंदगी। आज जो सूरत हाल है, हमने तसव्वुफ को बदनाम कर दिया। और जनाबे बंदा जन जिन जिन जो कुछ हाल यहां जिन वाला, मुझे नहीं समझ आती इतने जिन सारे पाकिस्तान दुनिया के इकट्ठे होकर लंदन में आ गए। चार चार महीने पाउंड लेके बाद में कहना काम पा रहे मेरे आड़ा में, तुझे तेरे आड़ा नहीं ते दिन ते आ फिर तेरा जिन मैं कड़ा जी। इन्ना लिल्लाह है वइन्ना इलैहि राजिऊ। मैं बात कर रहा था सैयद गौसुल वरा रजी अल्लाह तआला, बस आखिरी जुमला है। आपने देख फरमाया हां भाई ये क्यों दे दिया, मेरी अम्मा जान ने कहा था झूठ नहीं बोलना तो चोर पे भी कब काम, तो अंदर वाला दूसरा हो गया तो इतना कू ना मुझे अम्मी जान ने कहा था झूठ नहीं बोलना तो उधर रिकत आ रही होगी, तू माँ की नहीं भूल रहा, मैं खालिक भूल रहा हूँ। मेरे खालिक का हुक्म है सच बोलने वालों के साथ, और सूफी झूठा नहीं होता, झूठा सूफी नहीं होता। और इसके लिए आपके अक्ल व शऊर की बेदारी की जरूरत है। आज जो हालात है वल्ला अजीबोगरीब हालात, तो इनसे बचने के लिए मेरे सैयद गौसुल वरा रदी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने एक अमली मैसेज छोटा सा एक जुमले का आपसे किसी ने अर्ज की कि बंदा नवाज बेनमाजी के मुतल्लिक आपकी क्या राय है, तो आपने एक ही जुमला फरमाया, फरमाने लगे 300 ऊंट की कतार हो और 300 पिछले वाला जो ऊंट है उस पर बेनमाज इरादियन नमाज कदा कर बैठा हो, अब्दुल कादर पहले वाली ऊंट की मुहार नहीं पकड़े। करना कुछ और है, करके दिखाना कुछ और है, दिल भर को देखना और है, दिल भर को पाना और है। मेरे दोस्तों अगर सच्ची अकीदत है तो अपने घर के हवाल सांचे गुलामी है अब्दुल कादिर जिलानी में, और लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुल हसना। मर्द है तो मदीने वाले को देखो, शौहर है तो मदीने वाले आका
बीवी है तो वो ज़ौजा रफीका हयात मुस्तफ़ा की तरफ देखे। मेरे दोस्तों मैं बेपनाह हजरत कचोची किबला के वाबस्तगान मोहब्बत कचोचा जो तारीख पाकिस्तान के सीने का एक बहुत बड़ा लॉकेट और माथे का झूमर है जिस इदारे में बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह ताला पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी और वहाँ सदारत करते हुए पीर जमात अली शाह साहब मेरे बाबा के खलीफा आज़म कहा था कि मुझे कचोचे वाले हजरात पहले ये गारंटी दें, मुझे आप सदारत दे रहे हैं लेकिन कचोची हजरात उठ के कहें कि मैदान माशर में मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मुझे साथ ले कमाल खान का है कुत्सिया है इल्म और इरफान का मरकज है। आज भी हजरत जो है वो एक अपनी अदाओं में मुनफरिद हैसियत के हामिल हैं और कतरा जो समुंदर से मिल जाए आखिर वो समुंदर होता है। उन दोस्तों को मैं मुबारक देता हूँ जो हजरत के दामन अकीदत से वाबस्ता हैं और खुदा करे हम साहिब निस्बती दुनिया से जाएं लेकिन झूठों की निस्बत से बचाए और सच्चों की निस्बत अता फरमाए। वमा लेना मुझसे खुद सी करे हाल रज़ा मुझसे हिदमत के खुद सी करे हाल रज़ा मुझसे हिदमत के खुद सी करे हाल रज़ा अगर रानी दिगर खानी गुलामा मन तो सुल्तानी खा रहे बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्र से है हम प्रस्तुत की अगर तू ने दिल जो ही नहीं देंगे ताना बुद्ध के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अगर रानी दिगर खानी गुलाम मन तो सुल्तानी दिगर चीजें नबी दानम अगिसनी या रसूलुल्लाह मेरे मौला कायनात इस पाफले मुबारक का इनेकात पाकीज़ा जज्बात तखय्युलात अफकार इंतजामात मामलात लंगर हाजरी तशरीफ आवरी तमाम तक जज्बात इकट्ठे करके कमली वाले आका के दामन कुछी की खैरात मौलाए कायनात आपकी बरगह अली वकार में हम सब गुलाम मुस्तफा और गुलामान मुस्तफा पेश गुजार इलाही दर्जे कबूलिया महबूब अलैहिस्सलाम की बरगह है जहाँ बना भी आका करीम के खुलफाए राशिदीन सहाबा साबिया अजवाज मुतहरात बिनात पाक तमाम शहदाए बद्र उहद सैयद शहदा अमीर हमजा सरकार की बरगह अली वकार और बिलखसूस मेरे आका सैयद अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभान करीम की बारगाह ग्रामी में आपकी जिंदगी की जो अदा मौला सबसे पसंदीदा आपकी उसके वास्ते बीमारों को सेहत औलादों को औलादे ने लेना आपके हसीन लंगर का सदका दोस्तों की रिजक में बरकतें अता फरमाइए आपके बिजनेस टूर का सदका दोस्तों के कारोबार में बरकतें अता फरमाइए जो भी हैं जैसे भी हैं सैयदी गौसल वराम आपके नमकखार हैं आपके नाम के ताबेदार हैं आपका नाम हम जबान पे हर वक्त रखते हैं मोहब्बतों के साथ बस एक निगाह करम जिस तरह माई का बेड़ा किनारे लगाया हमारी जिंदगी की कश्ती डगमगा रही ऐसे भी किनारे रहमत अता करे सल्लल्लाहु तआला अला नूरिल अनवार हजरत किबला के शेख सबजा साहब को सेहत कामिला उनका साए मोहब्बत आस्था पे सलामत रहे वाबस्तगाने अकीदत अपने शेख से इक्तसाब फैज करते रहें क्षमा जलती रहें परवाने आते रहें गलियां खिलती रहें गुंबद आते रहें और हजरत के खुदाम आते रहें और फैज याब आमीन अजमईन बिरहमत सुभान अल्लाह सुभान